आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री नरेंद्र तोमर जी, मनसुख मांडविया जी, पीयूष गोयल जी, कैलाश चौधरी जी, विदेशों से आए हुए कुछ मंत्रीगण, गयाना, मालदीव्स, मॉरिशियस, श्रीलंका, सूडान, सुरीनाम और गाम्बिया के सभी माननीय मंत्रीगण, दुनिया के विभिन्न हिस्सों से कृषि, पोषण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स, विभिन्न एफपीओ और स्टार्टअप्स के युवा साथी, देश के कोने कोने से जुड़े लाखों किसान, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसी किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। इसमें ग्राम पंचायतें, कृषि केंद्र, स्कूल, कॉलेज और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज भी हमारे साथ शामिल है। इंडियन एम्बेसी से लेकर कई देश भी आज हमारे साथ जुड़े हैं। भारत के 75 लाख से ज्यादा किसान आज वर्चुअली हमारे साथ इस समारंभ में मौजूद है। ये भी इसके महात्म्य को दर्शाता है। मैं एक बार फिर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी यहां मिलेट्स पर स्मारक डाक टिकट और सिक्के का भी विमोचन किया गया है। यहां बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स को भी लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही आईसीएआर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च को ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सलेंस घोषित किया गया है। और यहां मंच पर आने से पहले मैं एग्जीबिशन देखने गया था।
मैं आप सबसे भी, और जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले हो, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, पर्यावरण के लिए, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, सभी पहलुओं को समझने के लिए ये एग्जीबिशन देखना मैं आप सबको आग्रह करूंगा, जरूर देखें। हमारे युवा साथी किस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लेकर के इस फील्ड में आए हैं, ये भी अपने आप में प्रभावित करने वाला है। ये सभी भारत के कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। फ्रेंड्स, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को लाखों किसानों के सामने मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। श्री अन्न यानी केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार। श्री अन्न यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटने में मददगार। साथियों, हमने श्री अन्न को ग्लोबल मूवमेंट बनाने के लिए लगातार काम किया है। 2018 में हमने मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स के तौर पर घोषित किया था। इस दिशा में किसानों को जागरूक करने से लेकर बाजार में इंटरेस्ट पैदा करने तक हर स्तर पर काम किया गया। हमारे यहां 12-13 राज्यों में प्रमुखता से मिलेट्स की खेती होती है, लेकिन इनमें घरेलू खपत प्रति व्यक्ति प्रति माह 2-3 किलो से ज्यादा नहीं थी। आज ये बढ़कर 14 किलो प्रति माह हो गई है, यानी 2-3 किलो से बढ़कर के 14 किलो। मिलेट फूड प्रोडक्ट्स की बिक्री भी करीब 30% बढ़ी है। अब जगह जगह मिलेट कैफे नजर आने लगे हैं, मिलेट से जुड़ी रेसिपीज के सोशल मीडिया चैनल्स बन रहे हैं। देश के 19 जिलों में मिलेट्स को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत भी सिलेक्ट किया गया है। साथियों,
हम जानते हैं कि श्री अन्न उगाने वाले ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और कुछ लोग ये जानकर जरूर चौंक जाएंगे कि भारत में मिलेट्स की पैदावार से करीब करीब 2.5 करोड़ छोटे किसान सीधे जुड़े हुए हैं। इनमें से ज्यादातर के पास बहुत कम जमीन है और उन्हें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का भी सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है। भारत का मिलेट मिशन श्री अन्न के लिए शुरू हुआ यह अभियान देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार मिलेट्स पैदा करने वाले 2.5 करोड़ छोटे किसानों की किसी सरकार ने इतनी बड़ी मात्रा में सुध ली है। जब मिलेट्स श्री अन्न का मार्केट बढ़ेगा तो इन 2.5 करोड़ छोटे किसानों की आय बढ़ेगी, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बहुत लाभ मिलेगा। प्रोसेस और पैकेज फूड आइटम्स के जरिए मिलेट्स अब स्टोर्स और मार्केट तक पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ही देश में श्री अन्न पर काम करने वाले 500 से ज्यादा स्टार्टअप भी बने हैं। बड़ी संख्या में एफपीओज इस दिशा में आगे आ रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं भी मिलेट्स के उत्पाद बना रही है। गांव से निकलकर ये प्रोडक्ट्स मॉल और सुपरमार्केट तक पहुंच रहे हैं, यानी देश में एक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो रही है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और छोटे किसानों की भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। साथियों, भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट भी है। भारत का मोटो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। पूरे विश्व को एक परिवार मानने की यह भावना इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है। विश्व के प्रति कर्तव्य भावना और मानवता की सेवा का संकल्प सदैव भारत के मन में रहा है। आप देखिए, जब हम योग को लेकर आगे बढ़े तो हमने ये भी सुनिश्चित किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए पूरे विश्व को उसका लाभ मिले। मुझे खुशी है कि आज दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में योग को अधिकृत रूप से बढ़ावा मिल रहा है। आज दुनिया के 30 से ज्यादा देश आयुर्वेद को भी मान्यता दे चुके हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रूप में आज भारत का ये प्रयास सस्टेनेबल प्लेनेट के लिए एक प्रभावी मंच का काम कर रहा है, और ये भी भारत के लिए खुशी की बात है कि आयसा से भी 100 से ज्यादा देश जुड़ चुके हैं। आज चाहे लाइफ मिशन की अगुवाई हो, क्लाइमेट चेंज से जुड़े लक्ष्यों को समय से पहले हासिल करना हो, हम अपनी विरासत से प्रेरणा लेते हैं, समाज में बदलाव को शुरू करते हैं और उसे
विश्व कल्याण की भावना तक लेकर जाते हैं और यही आज भारत के मिलेट मूवमेंट में भी दिख रहा है। श्री अन्न सदियों से भारत में जीवन शैली का हिस्सा रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, रागी, सामा, कांगनी, चीना, कोंदो, कुटकी, कुट्टू जैसे कितने ही श्री अन्न भारत में प्रचलन में है। हम श्री अन्न से जुड़ी अपनी कृषि पद्धतियों को, अपने अनुभवों को विश्व के साथ साझा करना चाहते हैं। हम विश्व के पास जो नया है, दूसरे देशों के पास विशेषताएं हैं, उसे भी सीखना चाहते हैं। सीखने का भी हमारा इरादा है। इसलिए जिन मित्र देशों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर यहां उपस्थित है, मैं उनसे विशेष आग्रह है कि हम इस दिशा में एक स्टेबल मैकेनिज्म डेवलप करें। इस मैकेनिज्म से आगे चलकर फील्ड से लेकर मार्केट तक, एक देश से दूसरे देश तक एक नई सप्लाई चेन विकसित हो, यह हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। साथियों, आज इस मंच पर मैं मिलेट्स की एक और ताकत पर जोर देना चाहता हूं। मिलेट्स की यह ताकत है इसका क्लाइमेट रेजिलियंट होना। बहुत एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में भी मिलेट्स का आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसकी पैदावार में अपेक्षाकृत पानी भी कम लगता है, जिससे वाटर क्राइसिस वाली जगहों के लिए एक पसंदीदा फसल बन जाती है। आप सब जानकार लोग जानते हैं कि मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। साथियों, जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि आज दुनिया दो तरह की चुनौतियों से जूझ रही है। एक तरफ ग्लोबल साउथ है जो अपने गरीबों की फूड सिक्योरिटी को लेकर चिंतित है, दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ का हिस्सा है जहां फूड हैबिट से जुड़ी बीमारियों एक बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। यहां खराब पोषण एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी एक तरफ फूड सिक्योरिटी की समस्या तो दूसरी तरफ फूड हैबिट्स की परेशानी। दोनों ही जगहों पर इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि पैदावार के लिए भारी मात्रा में केमिकल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन श्री अन्न ऐसी हर समस्या का भी समाधान देते हैं। ज्यादातर मिलेट्स को उगाना आसान होता है, इसमें खर्च भी बहुत कम होता है और दूसरी फसलों की तुलना में ये जल्दी तैयार भी हो जाता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक
हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद है। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल 5-6% है। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए अचीवेबल टारगेट सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए, इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना होगा। कई राज्यों ने अपने यहां पीडीएस सिस्टम में श्री अन्न को शामिल किया है। दूसरे राज्यों में भी इस तरह के प्रयास शुरू किए जा सकते हैं। मिड डे मील में भी श्री अन्न को शामिल करके हम बच्चों को अच्छा पोषण दे सकते हैं, खाने में नया स्वाद और विविधता जोड़ सकते हैं। मुझे विश्वास है इन सभी बिंदुओं पर इस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से चर्चा होगी और उन्हें इम्प्लीमेंट करने का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा। हमारे अन्नदाता के और हम सबके साझा प्रयासों से श्री अन्न भारत की और विश्व की समृद्धि में नई चमक जोड़ेगा। इसी कामना के साथ आप सभी का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और हमारे दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने समय निकाल करके हमें जो संदेश भेजा, उन दोनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।